6 जून को गोल्डन टेंपल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी है। 39 साल पहले जब उग्रवादी सिख उपदेशक जर्नैल सिंह भिंडरावाला और बंदूकधारी समर्थकों ने गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तब भारतीय सेना ने इसे खाली कराया था। ये लोग अमृतसर स्वर्ण मंदिर में छिपकर देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाला के खात्मे के साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हुआ। पंजाब के अमृतसर में 3 दिन तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार इस ऑपरेशन में 493 लोग मारे गए थे और 83 जवान शहीद हुए थे। आज हम बात करेंगे 39 साल पहले हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की हर एक कहानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। बात 70 के दशक की है, जब अकाली दल पंजाब को स्वायत्त राज्य बनाने की मांग कर रहा था। 1973 में इसी को लेकर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन से जाना जाता है। प्रस्ताव में अकाली दल चाहता था कि केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार को छोड़कर अन्य विषयों पर पंजाब को उसके अधिकार दे दे। इन मांगों के कारण पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1977 में आम चुनाव के साथ ही पंजाब सूबे में भी इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। इसी उथल पुथल ने जन्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार को, जिसकी पटकथा लिखने वाली खुद इंदिरा गांधी थी। जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंत हुआ, तो इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा भी इसी ऑपरेशन ने लिखी। पंजाब की राजनीति में बड़ा चेहरा बन चले जर्नैल सिंह भिंडरावाले को साल 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जत्थेदार बनाया गया था। ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने अकालियों को पछाड़ने के लिए भिंडरावाले को मोहरा बनाया, लेकिन वो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन गया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आतंकवाद का रास्ता चुन लेगा। बहरहाल इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीट मिली। यहां तक कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ दिया। हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दे पर चली गई, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांगे की गई थी। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जा रही थी। तभी अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी, जिससे कट्टर सिख नाराज हो गए और माहौल खराब हो गया। फिर 9 सितंबर 1981 में हिंद समाचार पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका आरोप जर्नैल सिंह भिंडरावाला पर भी लगा। पंजाब के कई जिले हिंसक घटनाओं की भेंट चढ़ गए और कई लोगों की जान चली गई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक A.S. अटवाल की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, जब वो स्वर्ण मंदिर परिसर में माथा टेक कर वापस आ रहे थे। उनकी लाश को मंदिर की सीढ़ियों से हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जर्नैल सिंह भिंडरावाले से मिन्नतें करनी पड़ी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने की सलाह भी मांगी, लेकिन इसे ना मानना उनकी बड़ी भूल साबित हुई। पंजाब में हालात बदतर होते जा रहे थे। इसी दौरान अकाली भी मैदान में आ गए और अनंतपुर साहब के रिजोल्यूशन को पास करने की मांग के साथ ही महज 2 महीनों में 30,000 गिरफ्तारियां दे दी। पंजाब का माहौल बिगड़ता देख इंदिरा गांधी सरकार ने दरबारा सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। भिंडरावाले पर हिंसक गतिविधियों को हवा देने के आरोप लगने लगे और इसी कड़ी में 1984 में राज्य धीरे धीरे अलगाववाद की भेंट चढ़ता गया। धार्मिक गुरु जर्नैल सिंह भिंडरावाले की अगुवाई में अलगाववादियों ने गोल्डन टेंपल में शरण लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती दी। इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने की। इस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों,
बस सेवाओं पर भी रोक लगा दी। फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। 6 जून को अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंकों को लगा दिया गया। जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ही 7 जून सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार इसमें 83 सैनिक शहीद हुए, 249 घायल हुए। इस ऑपरेशन में 493 लोगों की भी मौत हुई। हालांकि इन सभी आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।